हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 5 का लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 15, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ मिसलेनियस, स्क्विल, गर्ल्स, अश्वगंधा, तुलसी एंड गूगल। स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो मिसलेनियस में सबसे पहले हमारे पास स्क्विल है। क्या होता है स्क्विल? देखो, कुछ ऐसा होता है, ये ना प्याज जैसा दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? प्याज जैसा, है ना। ऐसे जंगली प्याज भी कहते हैं हम लोग। तो अगर हम बात करें इसकी, तो ये है हमारा जंगली प्याज, कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है ऊपर से, और जड़ों में इसके ये पाया जाता है। ठीक है, सिनोनिम पर बात करें तो ये हमारे पास सिनोनिम यानी कि क्या क्या नाम है इसका? जंगली प्याज, सी अनियन और अर्जीनिया। ठीक है ना, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें बायोलॉजिकल सोर्स की, तो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्लाइस्ड, स्लाइस मतलब जो पीस 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 है ना, छाल उतारें या पीस पीस करें, एंड ड्राइड, सूखा। स्केल, स्केल क्या होता है? जो प्याज की एक एक परत उतारते हैं ना हम लोग, उसको स्केल कहा जाता है। लीव्स फ्रॉम अर्जीनिया मैरीटाइम्स, अर्जीनिया मैरीटाइम्स बल्ब, बल्ब मतलब जो गांठ है प्याज की। ठीक है ना, ऑफ फैमिली लिलियेसी। क्लियर हुआ? केमिकल कंस्टेंट बहुत सारे हैं इसके। इट कंटेन कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, सिलेरिन ए, सिलेरिन बी, एंजाइम सिलेटिनेस, ग्लूकोसिलेरिन ए, प्रोसिलेरिन ए। तो जितने सिलेरिन वाले वर्ड है वो यहाँ कॉमन है, तो उनको याद कर लोगे। देन फ्लेविनोइड, म्यूसिलेज, सिनिस्ट्रिन। ठीक है ना, ये सब कॉमन आ जाएंगे हमारे पास। द कार्डियक ग्लाइकोसाइड ग्लूकोसिलेरिन ए। ठीक है ना, कार्डियक ग्लाइकोसाइड क्या है? ग्लूकोसिलेरिन ए। ऑन हाइड्रोलिसिस, जब इसको हम तोड़े अगर, गिव्स थ्री ग्लूकोज, तीन ग्लूकोज देता है मॉलिक्यूल, टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ रैमनोज। ये रैमनोज ही पाया जाता है इसके अंदर इस प्रकार, अलॉन्ग विद द सिलेरिनिन। ठीक है ना, सिलेरिन ए को अगर हम हाइड्रोलाइज करें तो हमको क्या देता है? प्रोसिलेरिडिन ए एंड ग्लूकोज। क्लियर है? और प्रोसिलेरिडिन ए ऑन फर्दर एसिड हाइड्रोलिसिस, इसको अगर हम एसिड से हाइड्रोलाइज करें तो हमको क्या मिलता है? ए ग्लाइकोन और सिलेरिन ए। अब हाइड्रोलिसिस वाली बात याद रहे ना रहे, तो यहां पर देख लो ज्यादा सिलेरिन सिलेरिन वाले वर्ड है, तो वहीं से तुम लोग क्या करोगे? उसको लर्न करने की कोशिश करोगे। क्लियर है? थेरेप्यूटिक एफिकेसी मिसलेनियस है। स्टिमुलेटिंग यानी कि एक्साइट करता है, एस्पेक्टोरेंट खांसी में हो गया, डायुरेटिक हो गया, कार्डियक टोनिक है हार्ट के लिए अच्छा है, यूजफुल इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा, इसमें भी ये क्या है? यूजफुल होता है। क्लियर है? ओके ओके, आगे आते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट? गर्ल्स, गर्ल्स क्या होता है बच्चों? जो पत्तों में या कहीं पर तुम लोग देखते हो ना, छोटी सी गांठ जैसी रहे, मतलब देखी होगी कभी तुम लोगों ने, जैसे ये देख रहे हो इस टाइप से, ये पत्तों में हल्की सी ना गांठ जैसी है, और मेन जो हम लोग देखने वाले हैं वहां पे ये थोड़ा सा ये है, ये बड़ा सा पार्ट जो होता है ये। ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं? गर्ल्स होते हैं। गर्ल्स मतलब स्वेलिंग है। ठीक है ना, गर्ल्स और सेसिडिया आर काइंड ऑफ स्वेलिंग, एक स्वेलिंग सूजन है ना, सूजन, स्वेलिंग ग्रोथ ऑन द एक्सटर्नल टिश्यू ऑफ प्लांट, प्लांट के बाहरी टिश्यू में, अंदर नहीं होगा ये। ठीक है ना, फंजाई और एनिमल कहीं पे भी हो सकता है ये, लेकिन हम लोग बात किसी कर रहे हैं? प्लांट की कर रहे हैं। तो कह रहा है प्लांट गर्ल्स आर एबनॉर्मल आउटग्रोथ, एक असाधारण आउटग्रोथ होती है, बढ़त होती है ऑफ प्लांट टिश्यू की, सिमिलर टू बिनाइन ट्यूमर, जैसे कि गांठ होती ना, और कहीं कहीं गांठ निकल आ रही फोड़े फुंसे की, बिल्कुल वैसी होती है ये। और वाट, कोई गांठ है या मस्सा है इन एनिमल, दे कैन बी कॉज्ड बाय वेरियस, क्यों होते हैं ये? कई सारे पैरासाइट की वजह से, वायरस की वजह से, फंजाई की वजह से और बैक्टीरिया की वजह से, किसी की भी वजह से ये हो सकता है। आगे आते हैं, क्या कह रहा है? प्लांट गर्ल्स आर ऑफन हाईली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, ये काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं। जैसे हम लोगों में अगर हम बात करें, जो आउटग्रोथ होती है, ट्यूमर होता है, वो अनऑर्गेनाइज होते हैं, इसमें एकदम ऑर्गेनाइज रहता है। सो दैट द कॉज ऑफ द गर्ल कैन बी डिटरमाइंड, हम लोग इतना ऑर्गेनाइज है कि ये किसकी वजह से हुआ है हम उसके कारण को जान लेते हैं। सिनोनिम की बात करें तो नट गर्ल, टर्की गर्ल और ब्लू गर्ल है। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, गर्ल्स आर वेजिटेटिव आउटग्रोथ, वेजिटेटिव मतलब प्लांट के दो पार्ट होते हैं, रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव। रिप्रोडक्टिव में कौन आते हैं? फ्लावर्स। वेजिटेटिव में कौन आते हैं? पत्ते हैं, टहनियां हैं, ये सब चीजें आती हैं। तो वेजिटेटिव आउटग्रोथ कॉज्ड बाय गॉल वैस्प, वैस्प मतलब एक मक्खी होती है, इसका नाम क्या है? एडलेरिया गैलेटिंगटोरिए। ठीक है ना, तो कैसे याद करोगे? गैलेटिंगटोरिए। ठीक है ना, और जो मैंने तरीका बताया था, क्या तरीका है जब ऐसे याद ना हो, तो
अदलेरिया, गाला, एटिन, है ना, इस तरीके से अपने बना करके याद रखना है, ठीक है। डिपॉजिटिंग एग, ये अपने अंडे छोड़ देती है टहनियों के ऊपर, किसकी टहनियों के ऊपर, क्वार्कस इन्फेक्टोरिया, ये है वो प्लांट, ये प्लांट का नाम है जिसकी टहनियों पे पत्ते ये छोड़ देती है, और वो फिर क्या है, अंडे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो ये सूजन सी आ जाती है, फूल जाते हैं। ये फैमिली क्या है, फैगेसी, कौन सी फैमिली है, फैगेसी, क्लियर। केमिकल कॉन्सेंट की बात करें तो टैनिन नोन एज गैलोटेनिक एसिड, अब गाल से गैलोटेनिक याद रखना ज्यादा आसान होगा, गाल से गैलिक एसिड, गाल से एलर्जिक एसिड, ठीक है ना, तो गाल वाले और हो गए सारे। देन सीटोस्टीरोल, मिथाइल बेट्यूलेट, मिथाइल ओलियनोलेट, स्टार्च कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है ना, निक्टेंथिक एसिड, रोब्यूरिक एसिड एंड सिरिंजिक एसिड, ये इससे कुछ कॉमन से केमिकल है जो इसके अंदर पाए जाते हैं, तुम गाल वाले पहले याद कर लेना, क्लियर। थेरेप्यूटिक एफिकेसी की बात करें, यूज एज एस्ट्रिंजेंट, पता ना एस्ट्रिंजेंट हम लोग पढ़ चुके हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, है ना, स्किन के लिए जो टिश्यूज को थोड़ा सा सिकोड़ते हैं। इट इज यूज फॉर टैनिंग एंड डाइंग, ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इंक एंड टैनिक एसिड, ठीक है ना, इनके मैन्युफैक्चर में भी इसका इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा इसके यूज नहीं है, मेन हमारे पास क्या है, एस्ट्रिंजेंट है, क्लियर। आगे आते हैं अश्वगंधा, ये तो सबने सुना ही होगा अश्वगंधा, है ना, देख भी रखा होगा, देखा तो सर शायद ना हो, सुना पक्का होगा, ठीक है ना, ये इस तरह का पेड़ होता है, इसकी जड़ कुछ इस टाइप से हमें होती है, ये हमारी जड़ जो है काफी ज्यादा फायदेमंद होती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अश्वगंधा का नाम क्या है, विथेनिया सोमनीफेरा, क्या नाम है, विथेनिया सोमनीफेरा, नोन कॉमनली एज अश्वगंधा, इसको हम लोग खास करके किस नाम से जानते हैं, अश्वगंधा के नाम से जानते हैं, और विंटर चेरी, दूसरा नाम क्या है इसका, विंटर चेरी। आगे आते हैं, इट इज एन एनुअल एवरग्रीन श्रब, कैसा है ये, एनुअल एवरग्रीन, सालाना हमेशा हरा रहता है, ठीक है, और एनुअल है, एक साल के बाद झड़ता है ये, इन द सोलनेसी फैमिली और नाइटशेड फैमिली, डेट ग्रोज इन इंडिया मिडल ईस्ट एंड पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, ठीक है, इंडिया में मिडल ईस्ट एशिया में और सॉरी मिडल ईस्ट एंड पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में पाया जाता है। सिनोनिम की बात करें तो विथेनिया रूट और विंटर चेरी के नाम से जाना जाता है ये। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड रूट्स स्टेम बेसिस, है ना, ड्राइड रूट और स्टेम के जो बेस होते हैं ऑफ विथेनिया सोमनीफेरा बिलोंगिंग टू फैमिली सोलनेसी, फैमिली क्या है इसकी, सोलनेसी है, क्लियर। केमिकल कंस्टिट्यूएंट देख लेते हैं, अब विथेनिया से विथेनिन नाम याद रखोगे, ठीक है ना, सोमीफेरिन नाम याद रख लोगे, स्यूडो विथेनिन, ठीक है, ये दोनों तो नाम विथेनिन विथेनिन हो गया, ठीक है, अब विथेनिन वाला शायद कोई नहीं है, कोई बात नहीं। देन ट्रोपिन एंड स्यूडोट्रोपिन, हाइग्रीन आइसो पैलेड्रीन, एनाफेरिन एनाहाइग्रीन, द लीव्स कंटेन स्टीरॉइड लैक्टोन कॉमनली नोन एज विथेनिलॉइड, एक ये आ गया, तो विथेनिन विथेनिन वाले तीन चार याद करोगे उनको पहले लिख लेना, याद रखने में आसानी हो जाएगी, क्लियर है, इंपॉर्टेंट भी है ये, ठीक है। आगे आते हैं, थेरापेटिक एफिकेसी टू ट्रीट नर्वस डिसऑर्डर, ये बड़ा काम का चीज है, मतलब लगभग काफी सारे इसमें काम में आता है ये, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, लेप्रसी, ट्रैंक्यूलाइजर है, नर्वस एक्जॉशन, है ना, नसों की थकान, डेबिलिटी हो, नसों में दिक्कत आ जाए, इंसोम्निया, नींद ना आए, इंपोर्टेंस, नपुंसकता, इनफर्टिलिटी, है ना, स्पर्म काउंटिंग वगैरह कम हो, तो उन सब में क्या है, इसका बड़ा ही रोल रहता है और ये यूज में आता है, ये क्लियर है। देन तुलसी, तुलसी को तो हर कोई जानता है, पहचानते हो ना तुलसी को, तो यही बड़े काम की है, तुलसी भी बड़े काम की, आओ देखे जा रहा। सिनोनिम क्या है, सेक्रेट बेसिल, होली बेसिल और तुलसी, तेलुगु में कहा जाता है इसको। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स ऑफ ऑसिमम सेंक्टम, किसकी लीव से मिलता है ये, ऑसिमम सेंक्टम एंड ऑसिमम बेसिलिकम, फैमिली कौन सी है, लेबिएटी, क्लियर है, तो कोई एक नाम याद रख लोगे, जो अगर जो याद रख सकते हो, दोनों याद ना रख पाओ तो। केमिकल कॉन्सेंट की बात करें तो वोलेटाइल ऑयल, और उसके अंदर भी क्या, ऑयल के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, यूजिनॉल, मिथाइल यूजिनॉल, बीटा कारियोफाइलिन, सीनियोल और लिनालोल, क्लियर। थेरेप्यूटिक एफिकेसी की बात करें अगर, तो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की तरह काम करता है ये, इम्यूनो मॉड्यूलेटरी है, हमारे इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है, ठीक है, एंटी स्ट्रेस है, स्ट्रेस को कम करेगा, एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, बुखार कम करेगा, दर्द कम करेगा, एंटी हाइपरटेंसिव है ना, बीपी कम करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन कम करता है बॉडी के अंदर से, अल्सर कम करेगा और ट्यूमर को विरोध करता है ना, इन सब का एंटी है ये, तो तुलसी काफी काम की है,
जहां तक संभव हो तुलसी को रोज अपनी अगर चाय पीते हो तो चाय में डाल के पियो, अदरवाइज दो पत्ते चबाओ, है ना, काफी ज्यादा सेहत के लिए फायदेमंद रहती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग गूगल। तो देखो बच्चों, गूगल का प्लांट कुछ ऐसा होता है और ये देख लो, ये स्टेम से इसका ये निकल रही है, इसको कलेक्ट किया जाता है इसके स्टेम से, ठीक है, देखा हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज देखते हैं क्या इसके अंदर। सिनोनिम की बात करें अगर हम लोग तो गम गूगल, सलाय गूगल और गम गूगल, अच्छा दो बार हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। आगे आते हैं बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो गूगल इज अ गम रेजिन, गम होता है, गम और रेजिन मिक्सचर है, ठीक है, तो गम रेजिन कहा जाता है। ऑप्टेन बाय इंसीजन, इंसीजन मतलब कट मार देते हैं, ये बार्क होता है इसमें हल्का सा कट मार देंगे इस टाइप से, ठीक है। ऑफ कॉमिफोरा मुकुल बिलोंगिंग टू फैमिली बर्सरेसी, बर्सरेसी क्या नाम है, बर्सरेसी। केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो बहुत सारे हैं, गूगल कंटेन एसेंशियल ऑयल, गम, स्टीरॉल, सुगर्स, अमीनो एसिड, अल्फा कैम्फोरिन, सेम्ब्रीन, एलाइल सेम्ब्रोल, फ्लेवोनॉइड्स, एलर्जिक एसिड, मायरिसाइल अल्कोहल और एलिफेटिक टेरॉल्स। क्लियर है। थेरेप्यूटिक एफिकेसी की बात करें अगर हम लोग तो क्या क्या कर रहा है, लोअर सीरम ट्राइग्लिसराइड्स, यानी कि हमारे ब्लड का जो सीरम है उसमें से ट्राइग्लिसराइड फैट को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, एलडीआर और वीएलडीएल, यानी कि सिंपल से है और ये याद ना रहे तो इतना याद रखना, कोलेस्ट्रॉल यानी कि कहीं ना कहीं हमारे बीपी को लो करने में हेल्प करता है ये। इट रेजेस द लेवल ऑफ एचडीएल, एचडीएल हाई डेंसिटी लिपिड होता है जो कि अच्छा होता है ना, जो कि क्या होता है, अच्छा होता है किसके लिए, हमारी सेहत के लिए, हार्ट के लिए। ये भी कोलेस्ट्रॉल है लेकिन कोलेस्ट्रॉल दो टाइप के होते हैं, एलडीएल वीएलडीएल और एचडीएल, ठीक है ना, तो एचडीएल इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है ना, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट को एग्रीगेट होने से रोकेगा, एस्ट्रिंजेंट की तरह बिहेव करता है, एंटी रूमेटिक है, एंटीसेप्टिक है, एस्पेक्टोरेंट खांसी में काम आता है, एफ्रोडाइसियक है, ठीक है ना, एफ्रोडाइसिक मतलब जो एक तरह से काम उत्तेजना को बढ़ाता है, डिमल्सेंट है जो हमारी स्किन वगैरह में हेल्प करता है, सॉफ्ट रखता है। एज अ गार्गल, जब गरारा करते हैं, इन टीथ डिसऑर्डर, है ना, दांत या मुंह का जब प्रॉब्लम होता है तो मुंह में डाल के स्टाइल से क्या करते हैं, गरारे करते हैं, टॉन्सिल गले में जो इन्फेक्शन होता है उसमें भी काम आ रहा है, फेरिंजाइटिस यही फेरिंग्स होता है हमारा यहाँ पर, और अल्सरेटेड थ्रॉट यानी कि जो अल्सर मुंह में छाले वगैरह पड़ जाते हैं तो इसका गार्गल किया जाता है, दांतों के डिसऑर्डर में टॉन्सिल हो, फेरिंजाइटिस हो या अल्सर हो। क्लियर है। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है और काफी लंबा चैप्टर था ये, ठीक है, तो अब जल्दी जल्दी हम इसको क्या करेंगे, फटाफट इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे और जो चीजें थोड़ी सी रह गई हैं उसको फटाफट इस मंथ में कवर करवा देंगे। क्लियर है। तुम लोग बस पढ़ते रहो और जो पिछला पढ़ लिया है कोशिश करो वो ना भूलो, जो आगे कराऊंगा वो एक अलग बात है, जो पीछे का पढ़ लिया है उसको ना भूलो, उसको रिवाइज करते रहो। जितना कोशिश कर रहा हूं मैं अपनी तरफ से कि काफी कुछ चीजें कवर करवा दूंगा, जो बोली है उसको तो कोशिश करूंगा कि कवर करवा ही दूं, ठीक है ना। तो क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।